हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि कम्बस्टन ऑफ मीथेन पर आधारित है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कम्बस्टन। तो मीथेन का जो दहन होता है, जलन होती है, मीथेन जो जलती है तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होंगे अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो। सो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहले हमें मीथेन के कंबशन का इक्वेशन याद होना चाहिए। सो कंबशन ऑफ मीथेन CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। दिस इज द कंबशन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऑफ मीथेन। सो यहां देख रहे हो वन मोल। जब मीथेन का वन मोल का कंबशन होता है तो वन मोल CO2 प्राप्त होती है और वन मोल CO2 इक्वल टू हाउ मच कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16। सो दिस इज 12 प्लस 32 एंड दिस इज 44 ग्राम। तो एक मोल मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है और हमें दिया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मीथेन के मोल को कंबशन करने पर प्राप्त होगी। सो वन मोल CH4 गिव्स हाउ मच मोल, वन मोल ऑफ CO2 देन 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस व्हेन बाय 22 ओवर 44 ग्राम मोल। सो दिस इज 1/2 मोल। तो 44 ग्राम CO2 मीथेन के 1 मोल के कंबशन से प्राप्त होती है तो 22 ग्राम कितने से प्राप्त होगी, उसके हाफ मोल के कंबशन से प्राप्त होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जनरली आस्क इन एग्जाम एवरी ईयर। सो मेक इट योर फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर। ओके, सो ये क्वेश्चन था हमारा मीथेन के कंबशन से संबंधित। इससे संबंध और क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि मीथेन के एक मोल के कंबशन से कितना वाटर जनरेट होगा और या 5 मोल से कितना वाटर जनरेट होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आई होप योर कंसेप्ट क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।